हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं चटपटे चना चाट, जो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और ना जिसे आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। सुबह शाम जब आपका मन करे तब बना के खाइए और ये एकदम ना फटाफट बनकर रेडी भी हो जाते हैं, बस चने फूले रहें तो। बस बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए ना मैंने 1 कप चने को रात भर भिगो के रख दिया था, तो ये फूल गए थे। फिर उसका पानी निथार कर मैंने कुकर में डालकर 3 से 4 कप पानी डालकर 1 कप नमक डालकर मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 सीटियाँ ले ली थी। तो ये देखिए, ये अच्छे से पक चुके हैं। तो फिर इसका पानी मैंने निथार दिया है, तो ये रेडी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी में 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच सादा नमक, 1/2 चम्मच चाट मसाला डाल दिया है और 1 चम्मच मैंने चना मसाला डाल दिया है। तो बस इन सभी चीज़ों को मिक्स करके इसमें मैं पानी डालकर इसका जो है ना घोल रेडी कर लेती हूँ। बस थोड़ा सा पानी डालकर 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल दिया और इसका ये देखिए इस तरीके से जो है मसाला रेडी हो गया है। ये रेडी है। तो चलिए अभी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है, इस पे 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया था। इसके बाद 1/2 चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है, 2 चुटकी हींग डाल दी है और उसके बाद 1 इंच अदरक के टुकड़े को ना कद्दूकस कर लिया था, तो उसे भी इसमें डाल दिया है। तो बस इन सभी चीज़ों को 15 से 20 सेकंड के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए, ये पक चुके हैं। इसके बाद हमने जो मसाला रेडी करके रखा है उसे हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, मसाले को भी ना मीडियम फ्लेम पर हम जो है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसमें मैं 1 टेबल स्पून के करीब पानी और डाल दूंगी। तो ये देखिए, इनमें अच्छे से चलाते हुए हम पका लेंगे। तो ये देखिए, मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मसाले ने जो है तेल छोड़ दिया है। तो ये देखिए, बढ़िया मसाला जो है हमारा अच्छे से पक चुका है। तो बस मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। तो इसके बाद ना हमने जो चने पका के रखे हैं ना उसे हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, चनों को भी मैंने डाल दिया। अब इसे हम मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चनों को मसाले में अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए, बस 1 मिनट ही इसे पकाना है। तो ये देखिए, ये बस मिक्स हो जाए। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हो गए रेडी। तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देते हैं। सो फ्रेंड्स, चने जो हैं ठंडे हो चुके थे, तो ये बस अब हम चना चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं 1 छोटा प्याज ले लिया था, मैंने इसे बारीक कट कर लिया था। इसके बाद 1 टमाटर को भी मैंने बारीक कट कर लिया था। इसके बाद मैंने 1/2 ककड़ी को भी ना बारीक बारीक कट कर लिया था। इसके बाद मैंने 1 हरी मिर्च को भी बारीक कट करके डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी बारीक कट करके डाल दिया है। 1/2 नींबू का रस ले लेंगे हम, इसे भी इसमें निचोड़ देते हैं। तो बस इन सभी चीज़ों को डालने के बाद ना अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाला हमने पहले ही ऑलरेडी डाल दिया है, इसलिए बस इतनी ही चीज़ें डालना था हमें। तो बस इसे अच्छे से मिला लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो चटपटे चना चाट हमारे बनकर बिल्कुल रेडी हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इन्हें सर्व कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, चटपटी चना चाट बनकर बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, खाने में बहुत ही टेस्टी बना था फ्रेंड्स, और एकदम जल्दी भी बनकर रेडी हो जाता है ये। तो फ्रेंड्स, अब जब भी आपका चना चाट खाने का मन करे ना तो इसे बना के खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है और इन्जॉय कीजिए। तो बस ऊपर से मैं ना इसके ऊपर सेव डाल देती हूँ, जिससे ये और भी डिलीशियस लगेगा। सो फ्रेंड्स, रेसिपी को ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।